वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑफ यू हु हैज जॉइंड अस लाइव राइट नाउ। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से लिंकिंग लॉस के इस लाइव स्ट्रीम में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज दोपहर को? आज जो हम लाइव सेशन आपके सामने लेके आए हैं, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह लाइव सेशन आप सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। वह हर विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर दिल्ली का एग्जाम लिखने वाला है, जुडिशरी के अंतर्गत यूपी का एग्जाम है, बिहार का एग्जामिनेशन है, यह क्लास जीके, करंट अफेयर, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ साथ में कई कई जनरल स्टडीज के काफी सारे सोर्स और क्वेश्चंस को साथ में लेके आने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबका यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है अनअकैडमी की इस लाइव स्ट्रीम में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास के अंदर शुरुआत करते हैं फुल टू एनर्जी के साथ में। आज की क्लास के अंदर मैं बताना चाहूंगा, वी स्टार्ट द क्लास विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्फ, माय आर्मी और प्लस वेरीफाइड एजुकेटर जगदीश चंद्रा। और दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जीके और करंट अफेयर्स के वह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होने वाला है, उन पॉइंट्स को चूकना नहीं है। साथ साथ में अपनी नोटबुक को जरूर मेंटेन करना है, अपने पेन को और अपने ब्रेन को साथ साथ में ट्रेन करते हुए चलना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। और क्लास को शुरू करने से पहले वी आर सपोज टू गिव द थैंक्स एंड क्रेडिट टू ऑल ऑफ द जर्नलिस्टिक सोर्सेज जो कि बेसिकली सोर्स है इस क्लास के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग द क्रेडिट एंड द डिस्क्लेमर फॉर द सेम। देखिए सर, क्लास के अंदर मैं पांच यहां पे आपके पास में मेजर जो पॉइंट्स है वो हमेशा बताता हूं। सिलेबस पता करिए, सबसे पहले कौन सा एग्जाम आप देख रहे हैं उसके पास्टर पेपर को एनालिस करके रखिए और साथ साथ में न्यूज़पेपर के एनालिसिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आप में से कई दोस्त जो है हमारे यहाँ पे मॉर्निंग की क्लास को जरूर अटेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पाता हूं कि मॉर्निंग की क्लासेस के अंदर सबसे उपयोगी जो आपके लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लास भी उपयोगी हो रही है जो कि सुबह हर रोज 9 बजे लाइव जा रही है। अगर आप डीजीएस और यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो वह क्लास का मैं नोटिफिकेशन भी आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, भी जरूर अटेंड करें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है हम इसके साथ साथ करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए 1 बजे के यूट्यूब सेशन के बाद में 2:15 पे 2:15 जो है आपका होने वाला है स्पेशल क्लास का सेशन जो आपको मिस नहीं करना है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइव देख रहे हैं अभी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए क्लास शुरू करने से एक ब्रीफ डिस्कशन बताना चाहूंगा आपको, एक दिन बचा है आपके पास में 25% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। तो दोस्तों इस पॉइंट को, इस अवसर को गवाना नहीं। अगर आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक के अंदर अभी तक पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आपको लगता है कि ये क्लासेस कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाली है तो आई वेलकम यू ऑल इन द लिंकिंग बैच। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से आपकी तैयारी होगी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलने वाली। प्लस कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए, विद इस 10 कोड को यूज कीजिएगा और विद इस 10 कोड को यूज करने से आपको क्या मिलने वाला है, VIDISH10 कोड को यहां यूज करने से आपको 25% डिस्काउंट मिलने वाला है इन प्राइसेस के ऊपर। तो आज और कल का लास्ट दिन रहने वाला है, डोंट मिस। इसके अलावा मैं आपको यहां पे एनालिसिस देने वाला हूं। ऑनरेबल तनसुख सर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को अवेयर करवाने के लिए एक चीज की एनालिसिस पेश करने के लिए कहा है। तो सर के जो एजम्पशन और इंसिस्टेंस के ऊपर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2016, 2003, 2006, 2005, 2012, 2013, 2015 और 2016 और उसके अलावा अभी 2019 का भी पेपर हो चुका है, उसकी भी मैं एनालिसिस आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो यह सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। यहां पे सर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। हिस्ट्री में मैक्सिमम 38 क्वेश्चन भी पूछे गए, कई बार 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। आप देख सकेंगे यहां पे 30-30 क्वेश्चन जो है यहां पे पॉलिटी से भी पूछे गए हैं। मैक्सिमम इकोनॉमी जो है यहां पे लगभग 20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से कई ना कई बार आपके पास में 34 और 36 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस भी कई बार जो है यहां डोमिनेट करता है, 34 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर्स अगेन यहां पे 38। और कल एक स्टूडेंट ने लाइव क्लास में कहा था कि सर अभी जो 2018-19 का पेपर्स हुए हैं इन एरियाज में यूपी, बिहार और डीजेएस में, सर यहाँ 40-40 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पे आपको ये पता रखना है, ज्योति, गौतम, रिंकी, आसमा, मीना, दिव्या एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग दिस लाइव, कि इन क्लासेस के अंतर्गत ये सारे जो रैल में करंट अफेयर में करवाने वाला हूं, साइंस आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन होने वाला है, ज्योग्राफी की क्लासेस जो है यहाँ पे आपको प्लस के अंदर अवेल हो जाएगी, इकोनॉमी भी होगा, पॉलिटी और हिस्ट्री भी मैं यहाँ करवाने वाला हूं। तो कल से यहाँ पे क्या क्लास आनी आपकी शुरू हो जाएगी, अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है अपने आपको प्लस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। शाम को क्लास का टाइम रहने वाला है दोस्तों 5 बजे 5 PM 5 बजे जो है यहाँ पे क्लास का टाइम होगा जो आपकी प्लस क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। So, which state the analysis is for? This analysis is for the UP. For the UP PCSJ जो कि अभी हाल ही में आने वाला है, ठीक है ना। और दिल्ली के अंदर भी बेसिकली जो है हम यहाँ पे एनालिसिस पास्ट ईयर पेपर के साथ साथ में आपको पास्ट ईयर पेपर भी पूरी प्रॉपर एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस भी देने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। मूविंग अहेड सर,
यहाँ पे यूपी जुडिशरी का जो हमारा 2003 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसी के जो पर्सपेक्टिव में हम हमारी जो क्लास को थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं. लेट अस डिस्कस द क्लास ओवर हियर दोस्तों. राइट, मूविंग अहेड. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में, प्रसिद्ध जो आपके पास में, द विच फेमस इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फायान विजिटेड द इंडिया. तो आपके पास में फायान जो है भारत कब आया था, किस सेंचुरी में आया था, चौथी सेंचुरी, पांचवी, छठी या सातवीं सेंचुरी के अंदर. तो आपको पता होना चाहिए फायान कहीं यहाँ पे जो है 450 कॉमन एरा या फिर जिसको हम एनोडोमिनी भी कहते हैं, इस समय करीब आया था. तो यह लगभग जो है आपके पास में पांचवी सेंचुरी के करीब का समय है. कौन सी सेंचुरी है सर आपके पास में, यह फिफ्थ सेंचुरी का ये समय रहने वाला है. तो फिफ्थ सेंचुरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड. तो आपको यह याद रखना है. इसका टाइम पीरियड कौन सा रहेगा सर आपके पास में, सर फायान का जो अगर आप टाइम पीरियड भी अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं याद करना चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे कि यह इसका टाइम पीरियड रहा था 377 कॉमन एरा से लेकर के 422 कॉमन एरा के बीच में. और ये लगभग पांचवी शताब्दी मतलब इस टाइम पीरियड के अंतर्गत वह इंडिया भी विजिट करता है. यह याद रख लेंगे, यह चाइनीज पिलग्रिम थे, यहाँ तीर्थयात्री थे और ये भारत भी आए थे. उन्होंने भारत के उस वक्त के पांचवी शताब्दी के कई सारे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीजों का वक्तव्य भी दिया है. अपने कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी इनकी जो है इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखने को मिलती हैं. अपार्ट फ्रॉम इट इनका जो है अगर आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो यहाँ पे फैक्सियान लिखेगा, बट इनका जो प्रोनंसिएशन वो फायान होता है. हिंदी के अंदर क्या होता है दोस्तों, फायान, ठीक है ना. और ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फायान. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है फायान और इसको सेही के नाम से भी जाना जाता है. चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे ये, है ना. ट्रेवल किया इन्होंने अपने पाओं के ऊपर चाइना से भारत तक और यहाँ पे कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये भारत से लेके जाते हैं और चाइना के अंदर जाकर के यह उनका ट्रांसलेशन देते हैं वापस, ठीक है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स थी सर इनकी, पिलग्रिमेज थे, यह पता होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां मैं बताना चाहूंगा आपको भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया टैक्स पेश किया था. देखिए याद रखिएगा जजिया टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है, ठीक है ना. यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर आप ट्रेंड को अगर आजमा पा रहे हैं, क्योंकि इन एनालिसिस के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, एनालिसिस से ये पता चलता है कि कौन सी चीज, कौन सा व्यक्ति, कौन सा इवेंट हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट बनता है और वो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे कोई ना कोई इकोनॉमिक और कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड जो है ये सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है. सामाजिक व आर्थिक परिवेश जो है मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के समय का पूछा गया. तो कौन सा मुस्लिम रूलर ने यहाँ पे जजिया टैक्स दिया था, जल्दी से अपना आंसर देने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स. बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही है पीहू जी. यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की बात की जा रही है. मोहम्मद बिन कासिम जो है यह ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनके शासन काल में जजिया टैक्स जो है वह इंट्रोड्यूस किया गया था. जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था. मोहम्मद बिन कासिम जो है कहां के शासक थे सर, यह गुजरात के शासक रहे हैं आपके पास में 15वीं शताब्दी के अंदर. कौन सी सर, 15वीं शताब्दी के अंदर, 15th सेंचुरी के अंदर. इन्होंने 1414 के अंदर 1414 में जजिया टैक्स लगाया था, ठीक है ना. कलेक्टेड इट विद सच अ स्ट्रिक्टनेस दैट मेनी पीपल कन्वर्टेड टू इस्लाम टू इवेड द जजिया. लेटर इट वाज अबॉलिश्ड. अच्छा सर, यहां पे कई लोग जो जजिया से बचने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. जजिया को बाद में जो है 1579 के अंदर तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने खत्म किया. तो ये पूछ लिया जाता है आपके पास में जजिया टैक्स किसके ऊपर है, पिलग्रिमेज से रिलेटेड है. किससे असर ये आपके पास में, पिलग्रिमेज से, जो आपके नॉन मुस्लिम से उनसे ये बेसिकली टैक्स लिया जाता था. नंबर वन पॉइंट, लाया कौन था 15वीं शताब्दी में, मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम यहां पे लेके आते हैं इसको. फिर यह टैक्स खत्म किसने किया, अकबर ने खत्म नहीं किया. अकबर ने कहा कि सर अगर मुस्लिम से यहां पे टैक्स लिया जा रहा है तो हिंदुओं से क्यों, क्योंकि अकबर कहीं ना कहीं अपनी जो पेशकश थी, अपनी जो बेसिकली आउटलुक जो था उनका, वह कहीं कहीं जाते हुए हम देख पाते हैं कि लिबरल आउटलुक था. उन्होंने दीने इलाही भी दिया था, याद है दीने इलाही, हमने कल पढ़ा भी था क्लास के अंदर. दीने इलाही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक दार्शनिक मत दिया था इन्होंने. कई प्रिंसिपल्स जो थे अलग अलग धर्मों के वह समाहित करके दीने इलाही की पेशकश यहां पे अकबर के सम्राट अकबर के समय में हुई थी. परंतु यह याद रखने का एक और विषय बनता है कि दीन इलाही अकबर के पश्चात किसी ने भी, किसी मुगल शासक ने यहां पे नहीं अपनाया था. दीन इलाही आगे जाकर के फेल हुआ था. उसके कई कारण थे. पहला, अकबर के अलावा किसी शासक ने इसको शरण नहीं दी, पेट्रोनेज नहीं दी. दूसरा, जो इस्लाम के अंतर्गत जो मुस्लिम वर्ग था हमारे समाज का, वह किसी दूसरे धर्म के सिद्धांतों की पालना नहीं करना चाहता था, जबकि जो दीन इलाही है वह इस्लाम के जो जो लीडर्स है, फॉलोअर्स है, उनको यहाँ पे क्या कहता है कि आप दूसरे धर्म को की अच्छी चीजें हैं वो भी अपनाएं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें उठा करके उसमें दीन इलाही में डाली गई थी. यह चीज याद रख सकते हैं. तो लाया कौन,
MBQ मोहम्मद बिन कासिम 1414 के अंदर, और हटाया किसने, आपके पास में सम्राट अकबर ने हटाया था, जो कि तीसरे यहां पे जो है मुगल शासक रहे थे। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है दोस्तों तो हम यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। इफ दिस पॉइंट इज क्लियर वी विल मूव फॉरवर्ड विद द क्लास। द केव्स एंड द रॉकेट टेम्पल्स इन एलोरा आर ऑफ व्हाट, तो आपके पास में जो केव्स हैं और रॉकेट टेम्पल्स है ना एलोरा के अंदर, ठीक है ना, तो वह किनके हैं, जो एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काट कर कौन से मंदिर बनाए गए, क्या यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट मंदिर है, क्या यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन मंदिर है, क्या हिंदू और जैन मंदिर है, या फिर हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर है और जैन मंदिर है, तो कौन सा सही होगा सर? देखिए लेट मी हैव सम वाटर। हाँ जी, तो आ जाते हैं हम वापस इस क्लास के दरमियान। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा यहां पे, वो ये पॉइंट है आपके साथ में दोस्तों, कि जो हमारी एलोरा की केव्स हैं, एलोरा की केव्स में हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों टाइप के मंदिर सबको मिलते हैं, तीनों टाइप के मंदिर मिलते हैं इनकी गुफाओं के अंदर, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ, डी यहां पे जो है सही है। और याद रखने लायक बात क्या है, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी आता है, विश्व की धरोहर सूची के अंतर्गत भी यह आता है, याद रखेंगे। अच्छा, ये एलोरा है कहां पे, एलोरा है कहां पे, कभी आपने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है औरंगाबाद, ठीक है ना, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर ये एलोरा केव्स है, यह याद रखना, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर है। रॉक कट है, मतलब यहाँ पे पत्थर को काट करके ये गुफाएं, ये टेम्पल्स बनाए गए हैं। कई बुद्धिस्ट, कई जैन और कई यहाँ पे हिंदू जो हैं वह भी आपके पास में मिलेंगे। सर एक और बात, यह कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी के बीच का है, तो सर ये 7वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच के हैं सारे के सारे ये टेंपल्स, ठीक है ना। कौन सी शताब्दी में दोस्तों, ये 7th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी तक यह रहने वाले हैं। आप ये देख पाएंगे एलोरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर है, रॉकट हिंदू टेंपल मिलेंगे, बुद्धिस्ट टेंपल हैं, जैन मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे यहाँ पे, आर्ट वर्ड जो है। अच्छा, डेटिंग कौन सी इनकी, लगभग 600 से लेकर के 600 से लगभग 1000 CE कॉमन एरा एनो डोमिनी, मतलब आज ही ईसवी संवत की बात कर रहे हैं, तो लगभग यह 600 से 1000 ये संवत के आसपास की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह रॉकट केव्स, क्या आप देख पा रहे हैं, दीज आर द रॉकट केव्स। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, यह कैलाश्वरम मंदिर है। यह कौन सा मंदिर है दोस्तों, कैलाश्वरम मंदिर है, सिंगल रॉक से बेसिकली काट करके ये मंदिर बनाया गया। दिस टेम्पल इज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ऑफ इट्स ऑल। कभी भी जाओ महाराष्ट्र, एलोरा जरूर जाना एक दिन निकाल करके, यू विल रिमेंबर के सर यह चीज आज की तारीख में अगर लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें ना, तो डेकेड्स लग जाएंगे ऐसी चीज को यहाँ पे तैयार करने के लिए। और इतनी ब्यूटी जो है हमने आज से 1500-1600 साल पहले बना के रख भी दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं आनंद मठ की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आनंद मठ की। यह जो उपन्यास है आनंद मठ, ये जो नॉवल है वह किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या यहाँ पे देवनंदु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या शरत चंद्र के द्वारा। जल्दी से अपना आंसर देने वाले हैं दोस्तों, किसने लिखा था, देखिए यह जो आपके पास में इंपॉर्टेंट नॉवल है आनंद मठ, यह लिखा था आपके पास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसका जो है बेसिकली लेखन किया था। ही वॉज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल आनंद मठ, इसको याद रख सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे कौन आपके पास में, है ना, एक तो यह थे नॉवलिस्ट, है ना, एक तो थे ये नॉवलिस्ट, पोइट भी थे, कवि भी थे, और क्या थे ये, जर्नलिस्ट भी थे, और क्या थे सर ये, पत्रकार भी हुआ करते थे। आपने कभी नाम सुना है वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम क्या है हमारे पास में, कंपोजर इसके वंदे मातरम है, संस्कृत में जो वंदे मातरम गीत लिखा गया उसके कंपोजर भी कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अंदर है, याद रखेंगे। तो ही बेसिकली पर्सोनिफाइड मदर इंडिया, है ना, तो हमारे जो मदर को है, भारत को है, भारत माता के रूप में, मदर गॉडेस के रूप में पर्सोनिफाइड किया था इन्होंने, इतने शक्तिशाली लेखक थे ये। और इनकी इसी लेखनी की कला से कई एक्टिविस्ट जो है नियर फ्यूचर के अंदर इंस्पायर होते हैं, देयर वर मेनी एक्टिविस्ट हु गॉट इंस्पायर्ड लेटर ऑन, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर आपको याद होगा, है ना, वंदे मातरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कला भी रही थी आपके साथ में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा दोस्तों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है डू लेट मी नो अबाउट दैट। सर इंक्लूड द सन्यासी विद्रोह इन आनंद मठ, ओके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एंड मूविंग फॉरवर्ड। बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे जो है यह इंडियन नॉवलिस्ट पोएट जर्नलिस्ट हुआ करते थे आपके पास में, वंदे मातरम इन्होंने ऑरिजिनली संस्कृत में मदर इंडिया को जो है एक तरीके से मदर गॉडेस की तरह जो है पर्सोनिफाई किया था, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनकी एक अच्छी खासी योगदान देखा गया नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट की तरह। आगे बढ़ते हैं, आनंद मठ देखा होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये है श्रीमान का फोटो। आगे बढ़ते हैं, डिप्रेस्ड क्लास लीग, डिप्रेस क्लास के लिए अलग से जो है एक लीग की स्थापना की गई, एक पार्टी की स्थापना की गई। याद करेंगे इस पार्टी की स्थापना कौन करने वाला। देखिए, जब मैंने दो दिन पहले आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ाया था पिछली क्लासेस के अंदर, तो मैंने पढ़ाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास लीग को स्टैब्लिश किया था। इन्होंने किया था सर आपके पास में, डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना करने वाले थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यह सही हुआ आपके पास में, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कब स्थापना की आपके पास में, 1935 के अंदर इन्होंने जो डिप्रेस क्लास है, जो दलित वर्ग है, ठीक है ना, इन्होंने बेसिकली जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना की, क्या है सर, ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग की, AIDCL की स्थापना की। नंबर वन क्या चाहते थे कि जो भी अनटचेबल्स है, जिनके साथ भी यहाँ पे छुआछूत हो रहा है, उनको समानता का अधिकार दिया जाए। उनको कौन सा अधिकार दिया जाए सर, समानता का अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। तो बाद में जो ये डिप्रेस क्लास लीग है इसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मिला लिया जाता है, ये याद रख लेंगे। अक्षत अभिमन्यु सिमरन ये याद रखेंगे अपन लोग, ठीक है ना विकास, इसको आगे INC के अंतर्गत मिला लिया जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अच्छा कोई बताएगा मेरे को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कोई बताएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहां हुआ था। यस, आपने एक एरिया का नाम सुना है भोजपुर, ये भोजपुर कहां है, वेयर इज द भोजपुर, भोजपुर कहां है दोस्तों, बिल्कुल अपना जवाब देंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स, भोजपुर कहां है, भोजपुर है बिहार के अंदर, भोजपुर इज इन बिहार, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिहार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, वी आर टॉकिंग ऑफ बिहार। अच्छा इनका जन्म हुआ कब था, इनका जन्म हुआ कब था आपके पास में, यस 1908, आज की तारीख में मध्य प्रदेश, ओके वेरी गुड फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दैट। तो 1935 में ही कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू अटेनिंग इक्वालिटी ऑफ अनटचेबल्स, एंड ही वाज आल्सो ड्रॉन इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेटर ऑन। तो बॉर्न इन द भोजपुर बिहार 1908, याद रख लेंगे। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी, ठीक है ना। यह है जेंटलमैन, यहाँ पे बहुत ही वेल रेड पर्सन, बहुत ही वेल रेड पर्सन, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जाते हुए जो आउटफिट्स है कुछ इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं फॉर बींग टू मच क्रिटिकल, बट बंदे में दम था, बहुत दम था, है ना। चलिए आगे यहाँ पे बात करना चाहेंगे दोस्तों सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप के बारे में किस किस को पता है, किसने बनाया सांची का स्तूप, समुद्रगुप्त ने बनाया, अशोका ने बताया, कृष्णदेव राय ने, या फिर हर्षा ने बनाया। देखिए सांची का स्तूप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये स्तूपा स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे रेलिक्स रखे जाते थे, है ना, जो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मॉन्क हैं या भगवान बुद्ध हैं उनके जो लास्ट रिमेन्स हैं उनको यहाँ पे रखने के लिए ये स्तूपा जो आर्किटेक्चर जो है ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंतर्गत काउंट किया जाता है, नंबर वन थिंग। दूसरा, सम्राट अशोक ने यहाँ पे पैटर्नेज दी थी बुद्धिज्म को, और उन्होंने इस सांची के स्तूप को बेसिकली जो बनवाया था, है ना, सांची के स्तूप को किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, राइट इसको याद रखेंगे। सांची के स्तूप को यहाँ पे महान स्तूप या ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है स्तूपा नंबर वन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। अच्छा शुरुआत में जो है यहाँ पे मौर्यन किंग जो ये अशोका थे ये क्या थे, मौर्य किंग थे, मौर्य सम्राट हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पे तीसरी शताब्दी के अंदर, थर्ड सेंचुरी के अंदर जो है इन्होंने बनाया था, थर्ड सेंचुरी के अंदर इन्होंने बनाया था, बिफोर कॉमन एरा BCE, है ना, ईसा पूर्व मतलब ईसवी संवत के भी 300 साल पहले की बात की जा रही है। इट इज बिलीव टू हाउस ऑफ द एसेस ऑफ द बुद्धा, मतलब भगवान बुद्ध की जो लास्ट रिमेन्स है, बॉडीली रिमेन्स, वह यहाँ पे रखे गए। बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज साइट है सर आपके पास में, बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सेकेंड सेंचुरी या फर्स्ट सेंचुरी BCE के अंतर्गत ये डैमेज भी किया जाता है, पर इसको वापस
रिबिल्ड भी किया जाता है। क्या याद रखेंगे सांची स्तूपा के बारे में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बनाने वाले कौन है आपके पास में? सांची स्तूप नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक ने बनाया था तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है ना। बुद्ध की राखे इसमें रखी गई, रेलिक्स जो लास्ट रिमेन से वो रखे गए हैं, ठीक है ना। दूसरी शताब्दी में कहीं कहीं ये क्षतिग्रस्त भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ये है सांची स्तूपा, ये क्या है सर आपका? सांची स्तूपा, यह याद रखेंगे इसको, इसको तोरणा बोलते हैं। ये जो है ना आपके पास में जो स्ट्रक्चर है, ये गेट टाइप जो दिख रहा है, इसको तोरणा बोलते हैं, तोरणा द्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग द पर्सनैलिटीज वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी से कौन कौन यहाँ पे जो है पर्सनैलिटीज जो है व्यक्तित्व जो है कौन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस थे क्या स्वराज पार्टी से? नो। क्या जवाहरलाल नेहरू थे? वो तो कांग्रेस के साथ। मोतीलाल नेहरू, वो भी बेसिकली कांग्रेस के ही साथ थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है आपके पास में, सी आर दास। किसका नाम आ रहा है दोस्तों? सी आर दास। यह स्वराज पार्टी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? स्वराज पार्टी के गठन से रिलेट करते हैं, राइट। तो आपको स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो 1922 के अंदर चित्तरंजन दास, क्या नाम है? चित्तरंजन दास, सी आर दास जिनको मैं कह सकता हूं। और इनके अलावा एक और व्यक्तित्व थे, नाम लिख लो जल्दी से, जल्दी से इनका नाम लिख लो। चित्तरंजन दास के अलावा थे आपके पास में नरसिम्हन, नरसिम्हन एन सी केलकर। केलकर का नाम सुना है आपने? चित्तरंजन दास है, केलकर है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इन तीनों ने जो है 1922 के अंदर कांग्रेस के फैक्शन से थोड़ा सा अलग होते हुए, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके पास में एक पार्टी बनी थी जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानी गई थी, फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से इसको जाना गया था। एंड नेहरू वॉज वन ऑफ द सेक्रेटरीज, नेहरू जी इसके सचिव रहे थे। इससे पहले ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी की फंक्शन के साथ में भी जुड़े हुए थे, यह याद रख लेंगे आपको, ये याद रखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू, केलकर और सी आर दास, चित्तरंजन दास, यह किससे जुड़े हैं? स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह पॉइंट दोस्तों भूलना नहीं है, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खान जो हैं यह स्वराज पार्टी से जुड़े हैं। और इसमें चित्तरंजन दास के अलावा आपके पास में और भी जो हैं, जैसे नरसिम्हा चिंतामण केलकर, तो एन सी केलकर है, इनका भी नाम आता है। 1922 में इस पार्टी का गठन किया गया था। Are we clear on that, gentlemen? Are we clear on that? If we are clear on that, let's move ahead. In the history of the Indian, among which of the following is famous for the policy of market? भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन बाजार की नीति के लिए प्रसिद्ध है? Means market policies के लिए, policy of the market। कहीं न कहीं जो है आपने देखा होगा, जो जितना खूंखार होता है वो उतना ही बढ़िया क्या होता है? Economist भी होता है, क्योंकि डिसीजन शार्प ले पाता है ना। अब कई लोग कहते हैं मोदी जी बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं, पर देख लो जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, देख लो नोटबंदी इंप्लीमेंट कर दी, बोल दो कहीं ना कहीं और कई सारी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट भी किए। तो इसमें सबसे खतरनाक शासक कौन था? बलबन था क्या? अकबर था, बहुत ही लिबरल। कहीं कहीं शेरशाह था, शेरशाह से भी दो गुना ज्यादा तेज था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का। और यह भाई साहब जो थे पॉलिसी ऑफ मार्केट के लिए बहुत ही फेमस हुए। यह सिमरन जी किसके लिए फेमस होते हैं? सौरभ जी। यह किसके लिए फेमस होते हैं? गौतम जी। यह आपके पास में बाजार की जो नीति होती है, मार्केट को कैसे रन किया जाए, बिकॉज देखिए चाणक्य की जो कहीं ना कहीं एक नीति आती है, आपने पढ़ा होगा चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसके अंदर चाणक्य क्या कहता है? चाणक्य यह कहता है कि राजस्य मूलम अर्थ, राज्य का मूल हमेशा अर्थ में होता है। पैसा नहीं है तो लड़ोगे क्या, लड़ोगे क्या, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह चीज कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने भी समझी थी। बहुत ही क्रूर शासक था, बट अपनी मार्केट पॉलिसीज को लेकर के बहुत ही फेमस हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, यह याद रख लेंगे अपन लोग। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, पर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मार्केट में आकर के अपनी यहाँ पे सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रही थी। वह यहाँ पे दो लड़ाई लड़ती हैं, एक है बैटल ऑफ प्लासी, एक है बैटल ऑफ बक्सर। इन दो लड़ाइयों के रिजल्ट के फॉर्मेट में अलाहाबाद की संधि होती है, और उसके पश्चात कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो एक ट्रेड कंपनी थी, एक व्यापार करने वाली एक जो बेसिकली कंपनी थी, वह कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज हो जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर प्रश्न बनते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर प्रश्न बनते हैं, कौन लड़ा था ब्रिटिशर्स की तरफ से, मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था? पहला पॉइंट, कहां पे युद्ध हुआ था, दोनों सेनाओं का यहां पे जो है लीडरशिप किसने किया था, अच्छा हारा कौन था, जीता कौन था। फिर पूछा जाता है आपके पास में जीतने के बाद में संधि हुई क्या, तो वह संधि या ट्रीटी कौन सी थी, कहां हुई थी, और ट्रीटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, यह सारी चीजें तो हम प्लस में पढ़ेंगे। तो यहां पर पास्ट ईयर में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किन किन के बीच में हुई, अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच में, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, अंग्रेजों अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में,
और अंग्रेज और मराठाओं के बीच में? जल्दी से अपना आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। हमको सबको पता है कि सबसे पहले यहाँ कलकत्ता नाम के जो विलेजेस थे, छोटे छोटे विलेजेस थे, वहां पे रेवेन्यू की पॉलिसी के कारण जो बंगाल के नवाब थे उनका कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स से बेसिकली 36 का आंकड़ा हो जाता है और उनको खदेड़ फेंकने की कोशिश की जाती है। बदले में इनका बेसिकली क्या किया जाता है, बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज और जो नवाब है बंगाल के उन दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये हमने सीख रखा है ऑलरेडी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, यहाँ पे 1757 में यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, याद रख लेंगे आप लोग। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटिशर्स कब से आए भारत में, इस युद्ध से आए, इस प्लासी के युद्ध से जो है ब्रिटिशर्स का भारत में सत्ता के अंदर आगमन होता है। अच्छा कब से छोड़ के गए, पार्टीशन में भारत के दो टुकड़े करके छोड़ के गए, दो क्या तीन कह दूं, तीन क्या और भी ज्यादा कह दूं मैं, सिलोन भारत में हुआ करता था, नेपाल भारत का हिस्सा हुआ करता था, भूटान भारत का हिस्सा हुआ था, म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था, यहां तक कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान राज्य बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैन यू बिलीव मालदीव तक बेसिकली भारत था। पर क्या होता है, प्लासी से लेकर के पार्टीशन तक अखंड भारत को तोड़ने के अंदर यह जो युद्ध है यह टर्निंग इवेंट लेता है। यहां से इनके मुंह में क्या लग जाता है, शेर के मुंह में खून लग जाता है। इन्होंने कहा एक को हराया अब धीरे धीरे सबको हराना है, तो अलग जो राजा थे रजवाड़े थे सबको धीरे 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 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चूक का सिद्धांत है ना, तो वंशवाद वाली फॉलो पॉलिसीज है ना, फूट डालो राज करो नीति, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है यह आगे बढ़ते जाते हैं, सत्ता में काबिज होते जाते हैं, यह हमने सबने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब यहां पे याद एक और रखना है कि कंपनी के अंदर जो प्लासी का युद्ध था इसके अंदर कंपनी की फोर्स को, अंग्रेजों की फोर्स को किसने लीड किया था, लिखो रॉबर्ट क्लाइव। किसने लिखा था सर आपके पास में, रॉबर्ट क्लाइव, यह ब्रिटिश आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कमांडर हुआ करता था फोर्सेस को। अच्छा और मुगलों की तरफ से, नवाब की तरफ से कौन था आपके पास में, नवाब कौन थे आपके पास में, सिराजुद्दौला, क्या था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब थे और बंगाल के लास्ट नवाब थे, इसके बाद में बंगाल का नवाब ही नहीं होता है क्योंकि ये हार गया यहाँ पे, दैट्स इट, बंगाल की सत्ता से फ्री, इनको फ्री कर दिया जाता है। तो लास्ट नवाब और बंगाल भी यही थे, ठीक है ना, यह भी याद रख सकते। लास्ट बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, और इनके साथ में थी फ्रांस की सेना, इनके साथ में कौन सी थी, फ्रेंच, यहाँ पे इनके साथ में सेना भी अलाइज भी थे इसके अंदर, फ्रेंच अलाइज भी इसके साथ में, ठीक है ना सर। और मिलिट्री कमांडर ऑब्वियसली ये है नवाब, तो नवाब ही वो सिराजुद्दौला ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इंक्लूडेड इन द इवेंट, ये सेवन ईयर वॉर्स के अंतर्गत भी जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेनापति था ब्रिटिशर्स की तरफ से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिस आर ऑल द बेसिक थिंग जो मैं आपको समझा चुका हूँ। सेना कमांडर सिराजुद्दौला था, घटना में लगभग सेवन ईयर यूर्स भी जो है वो शामिल हुआ करता था। ओवरऑल आप देख सकते हैं आपके लास्ट के अंदर जाते हुए भाई साहब ये हार जाते हैं और इनको यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स से ट्रीटी करनी पड़ती है, ठीक है ना। 1757 प्लासी, उसके बाद में होता है बक्सर 64 के अंदर, 1764 के अंदर, वह भी पढ़ेंगे प्लस क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हैं। यहाँ पे आपको जो समझाया और सिखाया जा रहा है, 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किया था। देखिए 19वीं शताब्दी का पूछा, अच्छा 19वीं शताब्दी कब से है, सन 1800 से लेकर के 1899, यह है आपके पास में 19th century, 19वीं सदी। सर इस दौरान कौन से समाज सुधारक हुए हैं जो कि विधवा विवाह के समर्थक थे, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम डीएन टैगोर कहते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंदा, कौन थे सर हमारे पास में? यस, जल्दी से अपना आंसर यहां पे देने वाले हैं सभी के सभी दोस्तों। सर एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें, आप इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, दैट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड। यस डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू शेयर दिस। या तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे हमने कहा 19 सेंचुरी मतलब 1820 से लेकर के 1891 तक इनका जन्म पीरियड रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, ठीक है ना, जिसको ईश्वर इनको बंदोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनकी अलग से उपाधि दी गई विद्यासागर, पर इनका पूरा नाम क्या था, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। क्या नाम था, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। पॉपुलरली इनको विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता क्योंकि विद्या एजुकेशन के अंदर भी बेसिकली ये आगे थे, फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे,
फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब समझते हो, कहीं ना कहीं चैरिटी के अंदर, कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे बढ़ाने के अंदर समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है ना। तो बंगाल रेनेसा, बंगाल रेनेसा का नाम सुना है आपने, कहीं ना कहीं बंगाल में पुनर्जागरण हुआ था एक, है ना, जिसमें महिलाओं के हकों की बात की गई, महिलाओं के शिक्षा की बात की गई, विडो रीमैरिज की बात की, और हमारे हिंदू समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने की बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पे यह नाम याद नहीं भूलेंगे नहीं आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 1820 से 1891, मतलब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। आप क्लियर, राजा राम मोहन रॉय ने जरूर किया था दोस्तों, उन्होंने सती प्रथा की बात की है, स्वलीहा दोनों में फर्क है, विधवा विवाह और सती प्रथा। प्लीज करेक्ट कीजिए अपना आंसर, अपना आंसर यहां पे करेक्ट करेंगे दोस्तों, वैभव जी अपना आंसर करेक्ट कर लेंगे एक, और किसने दिया है यहां पे, ए का ऑप्शन दिया है अभिमन्यु जी, आप भी अपना आंसर करेक्ट कर लेंगे। देखिए सती प्रथा क्या होती थी, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती, पहले होते थे बाल विवाह भारत के अंदर, मिडाइवल सोसाइटी से, मध्यकालीन भारत से जब बाल विवाह हुआ करते थे, तो सपोज हस्बैंड है 30, 35, 40, 50 साल का, सर कोई एलिमेंट उस वक्त हेल्थ के कोई और भी रीजन हो सकते थे, डेथ हो गई, तो सर जो छोटी सी लड़की को उसके शादी कर रखी है उसने 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, अब सर वह बच्ची को क्या बोले, सर हस्बैंड की डेथ हो गई, तुम भी उसके साथ में चले जाओ, तुम भी उसके साथ में, जो चिता होती ना, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई इसी के साथ में इसको बिठा दिया जाता, अब खुद तो बैठेगी नहीं, खुद तो बैठेगी नहीं, हाँ वो थोड़ा सा शौक जरूर है तो हस्बैंड की डेथ हो गई, पर सर खुद हस्बैंड की चिता में बैठ जाए तो ऐसा तो थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकता है, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इनको बेसिकली दिया जाता था कहीं ना कहीं कुछ मादक पदार्थ, है ना, मादक पदार्थ मतलब नशे के अंदर बेसिकली उसको बिठा दिया जाता वहां पे, और उनको बोला जाता कि सती, सती मतलब एक तरीके से अपने पति के साथ में अपनी देह को इन्होंने भी त्याग दिया, मतलब पति की डेथ मतलब आपकी भी डेथ, खाली फिजिकल बॉडी आपके पीछे रह के क्या करेगी, मतलब आपका कोई जीने का हक नहीं है, आपको रीमैरिज का हक नहीं है। तो यहाँ पे यह प्रथाएं थी हमारे समाज में थी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सारे सेक्शंस को, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट यह समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रथा थी इसको हटाने की व्यवस्था करवाई थी राजा राम मोहन रॉय ने, याद रख लेंगे। मीणा जी पीरियड ओके वेरी गुड, बिल्कुल रेनेसा पुनर्जागरण जो है बेटा आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो पुनर्जागरण कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो हम चाहे इस्लाम के अंदर बात कर लें, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, चाहे हमारे सनातन धर्म की बात कर लें, हर धर्म में कई सारी अच्छी चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना दिए तले अंधेरा भी है, दिए तले अंधेरा भी है, तो जो भीतर गया वही तो तर गया, जो धर्म अपनी कमियों को खुद डायग्नोस करके उस समाज में से वह सुधारक निकलते हैं कि नहीं हमारे समाज में ये बच्चियों के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से, ये हमारे वैश्विक और ये हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये चीज़ सही नहीं है, हमको शिक्षा चाहिए, हमको जीवन का अधिकार चाहिए, कम से कम जैसे आर्टिकल 21 है, आज की तारीख में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, राइट। तो आईपीसी में बेसिकली दंड का प्रदान हो जाएगा इस तरीके से अगर आपने किसी को जला दिया तो, बट उस वक्त था और उस वक्त समाज में इसको सुधार की आवश्यकता थी। क्या यह चीज क्लियर है, यह चीज क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज क्रेडिटेड टू इश्यू द गोल्ड कॉइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है, कि सर यह राजवंश मौर्य, गुप्ता, कुषाण, सतवाहना, इनमें से किसने भारत में पहली बार जो है क्या जारी किया, सोने का सिक्का जारी किया। तो जल्दी से बताओ सोने का सिक्का सबसे पहले कौन जारी करता है, कुषाण, वेरी गुड। तो यहां पर जो कुषाण है यह सोने का सिक्का सबसे पहले जारी करते हैं, बहुत ही सिंक्रेटिक एम्पायर था आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूएजी जो है बैक्ट्रियन टेरिटरीज है ना, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर यह बेसिकली कुषाण एम्पायर बना था, देख सकते हैं कुषाण एम्पायर की ये वाली लोकेशन रहने वाली है आपके पास में, टोटल ये सेंट्रल एशिया से लेकर के इधर बेसिकली यूरेशिया से लेकर के आपके गुजरात वाला इंडस वाला रीजन से लेकर के गंगा गैंजेटिक प्लेन, और ये पूरा का पूरा ये हिमालय जो वेस्टर्न हिमालय ये पूरा रीजन जो है ये पूरा था कुषाण एम्पायर पहली शताब्दी के अंदर है ना, कुषाण एम्पायर। और यह जो भारत के अंदर सबसे पहली बार क्या लेके आता है, सोने का सिक्का लेके आता है, फर्स्ट सेंचुरी मतलब अभी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। और ये कौन सी बात कर रहे हैं दोस्तों, यह बात कर रहे हैं पहली शताब्दी की, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे भारतवर्ष में पहला सोने का सिक्का इन कुषाण एम्पायर के द्वारा, कुषाण साम्राज्य के द्वारा लाया गया था। यह श्रेय अभी तक के जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हैं इनको दिया जाता है। पॉइंट क्लियर, मूविंग फॉरवर्ड, द वैली ऑफ द फ्लायर लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट,
अभी यहाँ पे जिला नहीं पूछा है, सॉरी राज्य नहीं पूछा, सबको पता है वैली ऑफ द फ्लावर कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ है, वैली ऑफ द फ्लावर इज इन उत्तराखंड। अब पूछ रहा है कहाँ है, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल, कहाँ पे है सर जल्दी से बताओ, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे, यस वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे दोस्तों, यस सभी लोग जवाब देंगे अपना। देखिए स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, स्टूडेंट दो तरह के, एक ऑब्जर्वर और एक पार्टिसिपेंट, आप पार्टिसिपेंट हो या ऑब्जर्वर हो आप बताने वाले हैं, है ना। देखिए इस तरीके से हाथ रख के पढ़ने वाले या इस तरीके से हाथ रख के पढ़ने वाले काफी मिलेंगे, बट जो एक्टिव होकर के अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रेजेंस दर्ज कराएगा, खाली क्लास में ही नहीं, हमारी हैबिट जो होती है ना वो हर जगह लागू होती है, फिर हमारी हैबिट जो होती है छोटी छोटी, इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, एक व्यक्ति वो है जो छोटी छोटी चीज़ें समझता हो और उन चीज़ों के ऊपर अमल भी करता हो, ठीक है ना। तो रियल जो है ये परीक्षाएं जो हैं आपके आप जो व्यक्ति विशेष है आपकी परीक्षा नहीं, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है ये। तो एग्जाम इज नॉट अ एग्जाम ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे सोलिहा, विकास, अभिमन्यु, रिंकी है ना, मीना, पीहू है ना, गौतम जी, सौरभ जी, आपकी परीक्षा नहीं है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षण है यहाँ पे, है ना। इट्स नॉट अ एग्जाम ऑफ अ पर्सन, इट्स रेदर इट इज एग्जाम ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो हमारी हैबिट्स ही तो हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, और अगर यहाँ पे मूक दर्शक बनना है तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में भी यही देखेंगे, पड़ोस वाला लिख रहा है क्या, वो लिख रहा है क्या, मैंने तो 4 क्वेश्चन किए उसने 10 क्वेश्चन कर दिए, अरे क्या हुआ, ये मेरा गलत हो रहा, उसका सही हुआ होगा क्या। तो जब तक तुम खुद पे फोकस नहीं करोगे तो अंतर्मुखी नहीं हो पाओगे, और अंतर्मुखी नहीं हो पाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, फिर वहां पे क्या होगा, है ना, एक तरीके से तलवार की धार है एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप आया नहीं बाहर बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो सर एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, 1000 सीट है उनको तो बेसिकली जो है इंटरव्यू के अंदर जो है 3000 बच्चे भेजने हैं, तो आपकी जो हजारों फॉर्म आएंगे, लाखों फॉर्म आएंगे ना, उसमें से ये मान लो कि सपोज अगर आपके पास में 1 लाख फॉर्म आते हैं उनके पास में, या 50,000 फॉर्म आते हैं, तो उनको सिर्फ 2000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं प्री और मेंस के थ्रू, ठीक है ना। तो 48,000 फॉर्म उनको रिजेक्ट करने, रिजेक्ट कैसे होंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद गिरोगे उससे पहले, वो कैसे, क्योंकि हैबिट कितनी कंसिस्टेंट है, जब मूड, जब हैबिट, यह चीजें आपकी खराब होने लग गई तो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन मात खा जाएगा, कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपका क्या मात खा जाएगा, रिट्रीवल, याद नहीं है पढ़ा तो था, वैली ऑफ फ्लावर कौन सा है, चमोली जिला सर ने बताया था शायद, नहीं यार चमोली है या देहरादून है, कौन सा होगा सर आपके पास में, सर कुछ तो था, फिर वहां पे फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, नेवर डू दैट। तो चमोली जिला जो है वहां पे है वैली ऑफ फ्लावर, वहां पे वैली ऑफ फ्लावर है। तो दोस्तों पार्टिसिपेशन जरूरी है, गलत होगा अभी हाथों हाथ पता चलेगा, सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने यहां पे देहरादून लिखा होता तो मैं कह रहा हूं बाकी जिन्होंने करेक्ट किया वो तो सर जब सही आंसर बताता है कि सर चमोली है तो उत्तर ध्यान नहीं देते, परंतु जिसने देहरादून टिक किया होता ना वो पक्का ओके वैली ऑफ फ्लावर चमोली, चमोली का जिला है। बार बार हर साल यहाँ पे क्या देखी जाती है, फ्लैश फ्लड देखी जाती है, बादल फटते क्लाउड बस्टिंग भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये बार बार न्यूज में आता है, वैली ऑफ द फ्लावर न्यूज में आता है, ये हमको पता होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना ही आप किसी को जान रहे, ना ही ये यूट्यूब की क्लासेस का ये तो फायदा है, क्लास में जैसे 50 जने बैठे हो, 100 जने बैठे हो तो वहाँ समस्या आती, अरे यार मैं हाथ खड़ा करके बोलूंगा कहीं गलत हो गया तो, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपनी क्या आइडेंटिटी बनानी है, पर आइडेंटिटी बनाने से पहले अपनी आइडेंटिटी के, अपनी ईगो से थोड़ा सा प्रेम होता है, यार मेरा नाम खराब हो गया, अरे भाई नाम के आगे पहले जज लगने तो दो, मजिस्ट्रेट लगने तो दो, फिर सोचना कि हाँ अब मैंने कुछ गलत डिसीजन दिया था अब नाम खराब होगा, पहले खराब होने के लायक नाम तो बना दो। अभी तो हम सब क्या है, लर्नर्स हैं, और लर्नर्स में ईगो नहीं होता है, ईगो छोड़ दो, ईगो जिस दिन छोड़ दिया लर्निंग 10 गुना हो जाएगी, यह लिख के ले लो मुझसे, यह लिख के ले लो मुझसे, ठीक है चमोली को याद रख लेंगे। तो यहाँ पे एक सीनिक हेलमेट है बहुत ही शानदार, ये चमोली, ये जो आपकी जो है वैली ऑफ फ्लावर इसको कहा जाता है, सीनिक हेमलेट है आपके पास में जो है 13 किलोमीटर फ्रॉम द गोविंद हट है ना, लगभग आपके पास में 3000 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से, वैली ऑफ द फ्लावर इन द चमोली उत्तराखंड, तो बहुत ही शानदार प्राकृतिक विविध सुंदरता प्रदान करती है, जरूर जाना जिंदगी में यहाँ पे एक बार, जरूर जाना दोस्तों, और जीवन में यहाँ पे एक बार जाओगे ना तो मैं ये कह रहा हूँ फोन इंटरनेट को थोड़ा दूर रखना, फोन और इंटरनेट को थोड़ा सा दूर रखना उस वक्त, ठीक है ना, और प्रकृति की गोद में जरूर जाना, जब भी तुमको लगे ना लाइफ के अंदर के सर कुछ भी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है तो प्रकृति की गोद में चले जाओ, या अपने गुरु की शरण में चले जाओ, या अपने गुरु की शरण में चले जाओ, जो भी तुमको लगता है कि नहीं इससे सीख सकता हूँ, गुरु कोई भी हो सकता है, माँ हो सकते हैं, पापा हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके धर्म गुरु भी हो सकते हैं, है ना, आपके कुल देवता, इष्ट देवता, कोई मस्जिद के अंदर मौलवी साहब हो सकते हैं, कोई फादर साहब हो सकते हैं, कोई कहीं पे भी, जिनसे भी आपको लगे कि आपकी विजडम को राइट डायरेक्शन मिलेगी, है ना, उनके पास चले जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है,
कलेक्टिव एफर्ट होता है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, किताबों से ज्यादा हम व्यक्ति से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है सर? देखिए अब यहां पे ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे, सर सबसे ज्यादा तो अभी ग्रोथ कौन कर रहा है? गुजरात, मोदी जी का, मोदी जी का मॉडल है ना, कहते हैं मोदी मॉडल। फिर सर सबसे ज्यादा तो इंडस्ट्रीज, सर इकोनॉमिक कैपिटल ये पक्का होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दे मारे कमेंट बॉक्स में। सर ममता दीदी का सर कलकत्ता, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई थी, ये होगा सर। पर कोई नहीं सोचेगा तमिलनाडु भी हो सकता है, जो कि सही आंसर है। तमिलनाडु भारत का मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है। तो आपको ये पता रखना है कि दिए तले अंधेरा भी होता है कई बार, और परीक्षाओं में इतने सहज प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सहज प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुम है ना कि लाला जी सो गिरे धड़ाम, सीधा देखते महाराष्ट्र, सीधा देखते गुजरात, क्योंकि अखबारों में पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग साइकोलॉजी में वही हो रखा है, जो दिखेगा वही बिखेगा, और वही चीज आप वहां पे भी टिक करके आते हो, वो टिक नहीं करना है। इसीलिए क्लासेस की अपना महत्व होने वाला है। इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करोगे तो भीड़ से अलग स्टैंड करोगे, क्योंकि अभी आपने देखा ऊपर बी 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 बी, अभी ये क्लास पढ़ने के बाद में सब सी 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 पे आ जाओगे। समझ में आई बात? तो भारत का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया कौन सा होने वाला है? सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया जो है बेटा वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। आपको पता रखना चाहिए तमिलनाडु जो है मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है भारत का। लगभग तमिलनाडु का 48% मतलब 50% का एरिया जो है वह शहरीकृत एरिया है। उसके पश्चात सेकंड नंबर पे भी इन तीनों का नंबर नहीं लग रहा है, सेकंड नंबर पे भी ये तीनों नहीं आ रहा। इसके बाद में आ रहा है गॉड जोन कंट्री कर्नाटका के बाद, सॉरी केरला, ठीक है ना, केरला। फिर तीसरे नंबर पे कहीं कहीं आपका बी 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 महाराष्ट्र आ रहा है 45% के आसपास में। याद रखेंगे इन चीजों को। तो क्या क्लास में कुछ नया सीखने को मिल रहा है? हाँ, क्योंकि यह हमारा कॉमन सेंस को कहीं कहीं जो गैप्स है उसके अंदर, कहीं कहीं उसके अंदर जो गैप्स है उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी इस क्लास के थ्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 48% कर्नाटक तमिलनाडु क्या 48% यहाँ पे अर्बनाइज्ड है, जबकि आपके पास में सेकंड प्लेस पे आता है मोस्ट अर्बन प्लेस में केरला 47 और 45% है महाराष्ट्र। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, तो यह पॉपर्ट एग्जाम हॉल में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो हो गया, चलता है। किसका ईगो है? सर का नहीं, आपका नहीं। अभी सब क्या है? इन द पाइपलाइन, अभी मेकिंग में चल रहा है। जिस दिन करियर बन जाएगा उस दिन देखेंगे, अरे यार जज साहब ने ये गलती कर दी, फिर मैं भी कहूंगा अरे जज साहब ये क्या कर रहे हो, कलम में ताकत है, आप बिगाड़ दोगे किसी की किस्मत गलती कर दी तो। ठीक है ना, नेवर डू दैट। पर पहले बनो तो सही। अभी तो हम सब क्या है, फ्लेक्सिबल है, अभी क्या है कच्ची मिट्टी है, सांचे में ढलो, अच्छे से तपो, फिर कुछ ना कुछ ईगो डेवलप करना अपना, है ना। अभी कोई ईगो नहीं है, जितना फ्लेक्सिबल हो उतना अच्छा है। और जो जितना अच्छे से ट्रेन करेगा बगैर ईगो को रखे हुए, बगैर सरेंडर, मतलब एकदम सरेंडर हो जाओ, सर मेरे को कुछ नहीं आता, जीके जी समझा दो सर, और मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड पे लिखी हुई चीज अगर ढंग से पढ़ ली तो एग्जाम में चेहरे पे मुस्कुराहट रहने वाली है। तो आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? अब यह चीज क्या हो गई आपके पास में, यह चीज स्टेट स्पेसिफिक है दोस्तों। ये क्या है, जैसे सपोज लेट मी हैव सम वाटर, यह चीज जो है दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक रहने वाली है। जब मैं कह रहा हूं स्टेट स्पेसिफिक, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि आपको राज्य के इंपॉर्टेंट जो जीके और जीएस, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आया सर यूपी के लिए क्या पढ़ो। देखिए अगर आप स्टेट स्पेसिफिक तैयार कर रहे हैं तो कोई भी एक बुक उठा लीजिए, पतली से पतली, जो जितनी थकी मांदी पतली सी किताब हो ना, कि 20-25-50 पेज है, बस बात खत्म। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे आपको, सेंसस उसमें मिल जाएगा, जेंडर रेशियो मिल जाएगा, लिटरेसी मिल जाएगी, कितने राज्य हैं, कितने डिवीजन हैं, किन किन से बॉर्डर लगती हैं, सब उसमें मिल जाएगा आपको। और उसी पे ये प्रश्न पूछा गया है 1970 और 1981 के बीच के जो सेंसस हुई थी, है ना, यह दशकीय सेंसस जो थी यहाँ पे पूछी गई। जितनी पतली किताब पकड़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि तुम जाओगे ना बुक वाले को क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, बुक वाले को क्या चाहिए मार्जिन, जितनी मोटी किताब उतना अच्छा मार्जिन, है ना। तो भाइयों विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं कहता हूं जितनी पतली किताब पढ़ोगे, देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट जब मैं तैयारी कर रहा था ना आईएएस की तब से, तो हमारे अनअकैडमी के जो मेन सीईओ है, ठीक है ना, रोमन सैनी सर, तो ये कहते थे कि कभी भी एग्जाम के अंदर याद रखो कि अगर कोई किताब 150 पेज से ज्यादा है, 200 पेज से ज्यादा मत पढ़ना, नेवर रीड दैट बुक। और यह आज भी इंटरनेट पे है फॉर रेफरेंस, और जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने भी यही अप्लाई किया था। मैंने कोई भी किताब एनसीईआरटी पढ़ी, अखबार पढ़े और काफी सारी किताबें पढ़ी, पर कोई किताब 100-150 पेज से ज्यादा की नहीं पढ़ी।
क्योंकि कोई किताब को कवर से कवर पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना होता है उसका। रिवीजन कैसे करोगे विदाउट रिवीजन? क्या मतलब गीता रामायण जैसे अपन लोग घर में लाके रख देते हैं, कैसा धर्म ग्रंथ है अपने पास में रखेंगे विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कई लोग नहीं पढ़ते उसको। यूटिलिटी क्या? ज्ञान का और संसाधन का होना सब कुछ नहीं, संसाधन का प्रयोग करना भी तो आना चाहिए ना आपको, है ना। गन लाके रख दी पास में पर चलानी नहीं आती आपको, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई यूटिलिटी है उसकी? नहीं है। इसीलिए ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपके दो मिनट क्यों लिए, ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ पे हर राज्य जैसे यूपी की बिहार की छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं, यूपी जी के बिहार जी के दिल्ली जी के पढ़ लो ना। आप एपीओ का एग्जाम लिखोगे, आप वहां जेएलओ का एग्जाम लिखोगे, आप वहां पे हाईकोर्ट का एग्जाम लिखोगे, आप वहां पे एपीओ एडीपीओ का एग्जाम लिख लोगे, आप वहां पे जुडिशरी का भी एग्जाम लिख लोगे, प्रश्न आएंगे सर, इंटरव्यू में पूछ लेंगे सर आपसे, फिर क्या? तो कहीं ना कहीं तो ये करना है। मैं भी कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं भी करवाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, वह कर सकते हैं। पर याद रखना, किताब कैसी होनी चाहिए अपने पास में? रविराज जैसी, एकदम पतली दुबली, ठीक है ना, तब फायदे की बात होने वाली है, नहीं तो मोटी किताब रिवाइज कब करेंगे? और इतने फैक्ट नहीं पढ़ने का, अपन पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे, अपन भैया तैयारी कर रहे हैं आराम से। बिल्कुल सही का, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज करेंटली 2020 ग्रोइंग रेट एट द अराउंड 1.1% ऑफ द डाउन एंड द ओके, चलो ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना, डेटा की बात की जा रही है। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं, एससी पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन व्हाट? तो यहाँ पे कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति जो स्केड्यूल कास्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, वह किस राज्य में सबसे ज्यादा है? आंध्रा, हिमाचल, पंजाब या उत्तर प्रदेश के अंदर? तो सीधा सीधा बताना चाहूंगा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ द स्केड्यूल कास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना है, टोटल है आपके पास में 16% के करीब है, 16% के करीब है यूपी के अंदर। क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट स्केड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर है बिहार के अंदर, याद रख लेंगे। लगभग सर 35 लाख एससी पॉपुलेशन, कितनी है सर? 35 लाख, कम नहीं है सर अपने आप में, सर 3 करोड़ से ज्यादा आएगा, इकाई दाई सैकड़ा, हजार हजार लाख, 10 लाख करोड़, तो यह 3 करोड़ 51 लाख, मैं 35 लाख गलत पढ़ रहा था दोस्तों, माफी चाहूंगा, ठीक है, याद रख सकते हैं हम लोग। 2001 पूछा मेरे भाई विकास, 2001, और यह प्रपोर्शन का पूछ रहे हैं, यह प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे बात करेंगे ना परसेंटेज की, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो पंजाब वाला केस आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चले, यहाँ पे मैं क्लास के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, आप हमारी क्लासेस की पीडीएफ अवेल करने के लिए टेलीग्राम का लिंकिंग लॉ चैनल फॉलो कर सकते हैं। लिंकिंग लॉ का ऑब्वियसली फुल फॉर्म है अनअकैडमी लिंकिंग लॉ, इसी चीज को आपको सर्च करना है सीधा जाकर के, यह कुछ ऐसा आपको वहां पे लोगो मिलने वाला, पब्लिक चैनल है हमारा, इसके एडमिन सेक्शन में जाएंगे, एडमिन सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप मेरा नाम देख पाएंगे, कैप्टन जी के अंडरस्कोर जे जे सर, फोटो देख पाएंगे, ऑनरेबल तंजुक सर की भी फोटो है वहां पे, आप जीके जीएस का कोई भी टेक्स्ट है, कोई क्वेरी है, आप मेरे को भेज सकते हैं, एग्जाम के रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लस से रिलेटेड, कोई भी क्लास आप आइकॉनिक क्लास ले रहे हैं उससे रिलेटेड। अभी बता दूं 25% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप अभी अगर प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेंगे 25% ऑफ चल रहा है, 15 तारीख को ये ऑफर खत्म होगा, मतलब कल रात को 12 बजे तक लास्ट है, ठीक है, यह जरूर आपको अटेंड करनी चाहिए। और लिंकिंग लॉस के जो बैच है हमारा, इसमें हमारी क्लासेस होने वाली है, 1 ईयर लॉन्ग ये बैच होने वाला है, और इसकी क्लास कल शाम को 5 बजे से लाइव हो जाएगी आपकी, तो अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो यहां पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलरेडी मैंने जीके जीएस का जो बैच है उसके अंदर इसका क्या डाल रखा है, लिंक डाल रखा है, इसको एनरोल कर लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिंकिंग लॉस जगदीश चंद्र जांगिड प्रोफाइल लिंक दे रखा है, देखो कमेंट बॉक्स में देखो ऊपर जो प्रोफाइल लिंक दे रखा है उसको क्लिक कर लो। उसको क्लिक करने से क्या होगा, उसको क्लिक करने से यू विल बी एबल टू रीच आउट। कहां तक रीच आउट कर पाएंगे हम रीच आउट करेंगे मेरे प्रोफाइल पे, प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे और वहां पे प्लस कोर्स नीचे लिखा होगा आपके पास में, है ना, आपके पास में दिसंबर महीने से 15 तारीख से ये क्लास मतलब कल से शुरू हो जाएगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स के अंदर लाइव और आपके पास में बहुत ही प्लान और शेड्यूल क्लासेस मिल ही रही है बहुत ही अच्छे वे में, प्लस पर्सनल गाइडेंस और आपके पास में पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप आइकॉनिक बैच में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा फीस इसमें अलग रहने वाला है, 1-to-1 मेंटरशिप और आंसर राइटिंग सेशंस आपके पास में आइकॉनिक में भी होने वाले हैं, ठीक है ना, तो डाउट क्लियरिंग होगा, मेंटरशिप सेशंस होंगे आपके पास में, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगी, आप इसमें भी अवेल कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, अभी 25% डिस्काउंट है, विदिश 10 कोड को यूज करना है, है ना, तो 15% प्राइस ऑलरेडी कम है और विदिश 10 कोड को यूज करने से 10% और कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपकी फीस कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे ओवरऑल आपकी फीस जो है सर ओवरऑल 25% कम होने वाली, so we'll be taking this as well, right?
तो बाकी सारे बैचेस हैं वो भी आपको अवेलेबल होने वाले हैं अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो, स्पेशल क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, जगदीश चंद्र जांगिड प्रोफाइल को उस पर सर्च कीजिए और विधि स्टैंड कोड को यूज करके हम लोग वापस मिलने वाले। अच्छा, अभी हमारी लाइव क्लास कब होने वाली है? हमारी क्लास जो है यहाँ पे 5 बजे नहीं, 2:15 पे होने वाली है। मतलब अभी 2 बज गए हैं, 15 मिनट का ब्रेक है लंच का आपका, 15 मिनट के अंदर हम वापस मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे विधि स्टैंड कोड लगा लेना, मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी और अभी लाइव क्लास है वो भी देख लेना, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास 2:15 PM दोपहर के अंदर रहेगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट आए कैप्टन जी के अंडरस्कोर जेजे सर पे जरूर फॉरवर्ड कर देना, आई विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी थोड़ा सा आप रुकेंगे एंड आई एम टू शेयर वेरी स्पेसिफिक एक ऑफर है आप सभी के लिए, आप थोड़ा सा उसको भी लर्न कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो आपके पास में 6 मंथ्स का अगर आप क्लास लेंगे तो 1 मंथ फ्री मिल रहा है, 12 मंथ पे 2 मंथ, 18 पे 3 और 24 पे 4 मंथ। यस, 13, 14, 15, 16 तारीख को है। तो अगर आपने अभी तक इसको एनरोल नहीं किया, दिस इज द मोमेंट व्हेन यू एनरोल फॉर इट। ठीक है ना, एनरोलमेंट में एक ही क्लास के अंदर बेसिकली सब्सक्रिप्शन से बाकी सारी क्लास भी आपको मिलने वाली हैं ड्यूरेशन के लिए। काफी मॉक टेस्ट भी हैं, वो भी आप अवेल कर पाएंगे टाइम पे। स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड करें और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। विद स्टैंड कोड को अप्लाई करना अनअकैडमी पे हर कोर्स के लिए, हर कैटेगरी के कोड के लिए यह आपको एप्लीकेशन रहने वाला है। चाहे आप SSC लिख रहे हो, चाहे IAS लिख रहे हो, चाहे आप स्कूल का एग्जाम कर रहे हो, क्लैट कर रहे हो, चाहे जुडिशरी कर रहे हो, फ्री क्लासेस भी अनलॉक हो जाएगी, टेस्ट भी अनलॉक होंगे और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन, यूज दिस कोड 2:15 पे हमारी स्पेशल क्लास रहेगी, बहुत ही अच्छी इंटरेक्टिव क्लास रहने वाली है। ठीक है सर, लिंकिंग लॉग के बैच का इन्फॉर्मेशन आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सी यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर बैच इन एट 2:05, है ना, 2:15 पे हम मिल रहे हैं। और इस वीडियो में अगर कोई आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, प्लीज रिपोर्ट इट थ्रू द गूगल फॉर्म जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड फर्स्ट टू रिपोर्ट विल गेट द प्राइज एज वेल। दैट्स द बग्स बाउंटी प्रोग्राम। थैंक यू क्लास, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। क्लास का टाइम हमेशा रहेगा YouTube का 1 बजे और अगले 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग मिल रहे हैं एप्लीकेशन पे। थैंक यू, जय हिंद।